please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मंत्री के नाते छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हमारे पितृपुरुष और जिन्होंने हम सब जैसे लोगों को हजारों लोगों को राजनीति में लाने का काम किया, जिनको देखकर हम लोगों ने राजनीति शुरू की, जिसकी वजह से एक नया राज्य, तीन नए राज्य का निर्माण हुआ और ऐसे जनप्रिय नेता जिन्होंने सबको उंगली पकड़कर राजनीति का शुरुआत करने का सीख दिया, आज हमारे बीच नहीं रहे। पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उनके इस दुख में भागीदारी है, उनके परिवार के साथ साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से हम अपनी ओर से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार को एक कष्ट सहने की क्षमता दे। और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उसका हृदय आज दुखी है, सबकी आँख में आंसू है, सबको लगता है कि इतना बड़ा नेता जिन्होंने इस देश के सबसे बड़े इस प्रजातांत्रिक पार्टी को जन्म दिया आज हमारे बीच नहीं है। हम सब उनके पर दुख में भागीदारी हैं और मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन अब ये जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा और कल कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में जहाँ की झंडा झुका दिया गया है, वहाँ 3 घंटे की जो जानकारी अभी आई कि 3 घंटे 4 घंटे के मध्य उसको रखा जाएगा दर्शन के लिए। जी कीर्ति जी, आप कुछ कह रही थी कि ग्वालियर से संपर्क और नाते के नाते। जी तो मेरा तो बहुत बचपन से उनसे इतना लगाव रहा है, दैनिक स्वदेश के वो संपादक रहे थे जी। और जिस तरह का उनका वक्तव्य रहता था, जिस तरह का संपादक की वो लिखते थे, एक रचना, एक 4 पंक्तियां मैं उनके व्यक्तित्व पर सुनाना चाहती हूँ। सुनिए कि राजनीति में भी नीति ही प्रधान हो सदैव, कि राजनीति में भी नीति ही प्रधान हो सदैव, का पाठ ये पढ़ाते रहे अटल बिहारी जी, काल के कपाल पर लिखते मिटाते रहे, गीत नया गाते रहे अटल बिहारी जी। पोखरण के धमाके कारगिल की विजय, कि पोखरण के धमाके कारगिल की विजय, मान को बढ़ाते रहे अटल बिहारी जी, विषम परिस्थिति में सागर समन लिए, हंसते हंसाते रहे अटल बिहारी जी। जी ये इनके, आपने इनके कवि हैं, आपने उन्हें व्यक्तित्व को पूरा समेटा है जी। अरे यार, भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि हरदिल अजीज और अजात शत्रु राजनेता जो सभी सीमाओं के ऊपर थे, जो देश से प्यार करता था, देश जिनसे प्यार करता था, वह हमारे प्रिय अटल जी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अब नहीं रहे। वो थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था एक प्रेरणा है, एक सहारा है, उनके जाने से सब कुछ सूना हो गया, राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। उनके बिना भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। अटल जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया दे रहे थे और शोक में, और इस वक्त खबर ये कि कल जो है पार्टी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं जानकारी के साथ। अमिताभ, क्या प्रोग्राम का शेड्यूल बनाया गया है और किस तरह से अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन के लिए लोग जा सकेंगे? बता दूं मैं आपको, अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:30 बजे प्रधानमंत्री निवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें जितने राष्ट्रीय शोक का क्या रूपरेखा होगी, एक हफ्ते का होगा या कितने दिनों का होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी और एक शोक प्रस्ताव पास किया जाएगा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की मौत के बाद ही होगा। उसके बाद जो उसके अब से थोड़ी देर में अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर एम्स से निकलकर उनके आवास 6A कृष्ण मेनन मार्ग ले जाया जाएगा प्रतीक, और कल सुबह जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि विजय स्थल के
पास यानी राजघाट के पास ही 1.5 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। एमसीडी कमिश्नर उसका आज दौरा भी कर चुके हैं, उसे वहां पर दाह संस्कार कर उसे मेमोरियल के रूप में यानी स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। ये अभी तक का प्रोग्राम है और ज्यादा डिटेल्स जो भी है वो कैबिनेट की बैठक के बाद और खुलकर सामने आएंगे। कल क्या इस पे कुछ जानकारी अभी है या बहुत प्रारंभिक है? अमिताभ की अंतिम संस्कार कल होगा और कितने बजे? देखिए, अभी प्रारंभिक जानकारी है कि कल सुबह उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा पार्टी के मुख्यालय पे और अंतिम संस्कार भी शाम को कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, वहां पे साफ सफाई का दौर भी चल रहा है। राजघाट के पास जो विजय स्थल है वहां पर उस जमीन पर जहां पर अंतिम संस्कार होना है, अब से थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि कब और कितने बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाँ, ये बात तय है कि कल सुबह पार्टी कार्यालय उनका पार्थिव शरीर जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। जी अवधेश जी, आप जिक्र कर रहे थे और वो जानकारी ये थी कि वो प्रत्युत्तर जो है, वो चुटीले बात पे कहना और उसका प्रत्युत्तर देना, उसमें बहुत बहुत ही उनके व्यक्तित्व की सबसे तमाम खूबियों में से एक खूबी विनोद की शैली में जवाब देना। देखिए, जब जनता पार्टी टूटी थी 1980 में, भारतीय जनता पार्टी बनी थी मुंबई में, उसका अधिवेशन हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें एक सिद्धांत डाला था, गांधीवादी समाजवाद। तो पूरे देश में चर्चा हुआ कि गांधीवादी समाजवाद क्या है, तो सर्वोदय के लोग भी उनसे पूछने आए, कम्युनिस्ट लोग भी आए, पत्रकारों ने घेरा उनको संसद में कि भाई ये गांधीवाद समाजवाद क्या है, सबका वो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया है, ऐसा कुछ है नहीं, और लोग ठाका लगाए और लोग चले गए। तो ये उनका उनकी जो है वो उनकी शैली थी। वो बोलनीखर सरस्वती तो उनके जिह्वा पर थे ही थे, उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि भारतीय इस समय कोई सबसे दुखी अगर इस देश में होगा तो वो होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, भारतीय बिल्कुल, मैं आपके पास ये, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही समय से चलती रही और बहुत इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बहस का भी रहा, तमाम तरह से लिखा गया, तमाम तरह से कहा गया, लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी के संबंधों को लेकर, बड़े भाई छोटे भाई मित्र, तमाम तरह के पॉलिटिकल करियर को लेकर मैं आऊँगा। लेकिन हमारे साथ ओम प्रकाश कल्याणी जी मौजूद हैं और आपने जिस विनोदी कहना चाहिए कलेवर की बात करी, तेवर की बात करी अटल जी के, अवधेश जी कह रहे थे, ओम प्रकाश जी आप उनको किस तरह से याद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। वो बहुत ही अच्छे राजनेता थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और एक बहुत ही प्रखर कवि भी रहे। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने दी संसद में। संसद में एक उनका घटना है जो मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। जब वो प्रधानमंत्री बने तो जब बोलने के लिए उठे तो सबसे पहले उन्होंने अध्यक्ष महोदय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूसरी तरफ बोला, तो अध्यक्ष महोदय ने बोला कि अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, तो वो हंसने लगे, इतने दिनों से आदत है मैडम, क्या करें, वो जाते जाते ही जाएगी। ये उनकी विनोद प्रियता का एक उदाहरण, विनोद प्रियता का ये उदाहरण है। जी, उनके संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूं। जी, कि अटल उनके इरादे थे, अटल ही नाम उनका है जी। लिखा है पोखरण में अब तलक भी काम उनका है जी। और करगिल में भी जिसने धूल दुश्मन को चटाई थी जी, हिमालय सा ही ऊंचा देश में मुकाम उनका है जी। और इसी तरह कुछ पंक्तियां उनके लिए पेश हैं जी, कि वो शख्स जो काल के कपाल पर लिखता मिटाता था, कविताओं से दिलों में प्रेम के दीपक जलाता था, अमन का रथ लिए जो एक दिन लाहौर था पहुंचा, अमन का रथ लिए जो एक दिन लाहौर था पहुंचा, आंच जब देश पर आए तो शमशीरें उठाता था जी। जी कीर्ति जी, तमाम व्यक्तित्व की बातें आपने तो अपने कविता में जो आपने सुनाया उसमें तमाम सारे उनके कलेवर जो हैं उसमें समेटे और तमाम सारे बिंदुओं पर रखा जी। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि और किस तरह का व्यक्तित्व था अटल जी का जी। कई बार उनका साथ मुझे मिला, ये मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ, तो कैसा व्यक्तित्व मैंने ग्रहण किया जी। कि पक्षियों विपक्षियों में थे समान लोकप्रिय, कवि का यही काम होता है कि बहुत सारी बातों को छोटे शब्दों में कह दे, कम शब्दों में कह दे जी। कि पक्षियों विपक्षियों में थे समान लोकप्रिय, हास्य और विनोद जिनकी थी पहचान जी। कि पक्षियों विपक्षियों में थे समान लोकप्रिय, हास्य और विनोद जिनकी थी पहचान जी। बड़े बड़े नेता गण हो या भोले भाले जन, सभी को समान दिया स्नेह सम्मान जी। दल दल में कमल जैसे निष्कलंक रहे,
कि दल दल में कमल जैसे निष्कलंक रहे, राजनीति को दिए नवीन प्रतिमान जी, भारती के थे सपूत, शांति के थे अग्रदूत, अटल जी भारत की आन बान शान जी, अटल जी भारत की आन बान शान जी। शाहनवाज जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहनवाज जी, आपने सुना कीर्ति जी कह रही थी आन बान शान थे अटल जी। शाहनवाज जी, देखिए हम लोगों के लिए आज बहुत दुख की बात है, खासकर देश के लिए, पार्टी के लिए और व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए, क्योंकि जो भी आज मेरी पहचान बनी उसमें बहुत बड़ा रोल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। जी, आपके मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट में, उनका विश्वास रहा जी और उनका आशीर्वाद रहा जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस देश ने एक बहुत बड़ा एक नेता खोया है, इस देश ने एक बहुत बड़ा कवि खोया है, इस देश ने एक बहुत बड़े हृदय का व्यक्ति खोया है। अटल जी का की कविता थी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन आज हम लोगों का मन टूटा है, बहुत साल तक उनके साथ काम करने के बाद, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र का मैं मंत्री था जी, बिल्कुल सिविल एविएशन मिनिस्टर आप, और बहुत तो उनका यकीन था जी, बहुत भरोसा था जी, और बहुत विश्वास था, इसलिए सिविल एविएशन, कोल और टेक्सटाइल जैसी बड़ी मिनिस्ट्री उन्होंने मुझे दिया था। जबकि कुछ याद पड़ता है कभी कैबिनेट की बैठक में भी उनकी वो विनोद प्रियता या उनका जो व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व, अटल जी के साथ इतनी यादें हैं कि आप उसको। अटल जी कई बार उनके पास जाना, उनसे बातें करना, उनका व्यक्तित्व इतना चमत्कारिक था जी, कि अगर मैं उनके पास जाता था तो एक आध बार ऐसा हुआ कि मैं अपना जिस विषय के लिए मैं गया वो विषय ही भूल गया। तो मैंने दूसरे दिन सोचा कि मैं अगर अटल जी के पास जाऊंगा जी और फिर कहूंगा कि नहीं सर मैं भूल गया था, तो वो कहेंगे कि अरे कम उम्र का मंत्री बनाया या एक भुलक्कड़ को बनाया, अब उनसे कैसे कहता कि आपका व्यक्तित्व ही इतना चमत्कारिक है कि सामने जाने पर सब कुछ भुला देता है। तो मैंने अपने हाथ से कलम से अपने हाथ पे लिख लेता था। अब मैं जानता था कि मैं अटल जी के पास जब बैठूंगा तो बातें अलग शुरू हो जाएगी, और वो हमसे बहुत चाव से बात किया करते थे, जाते ही कहते थे आइए शाहनवाज साहब, तो इतना कहते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। शाहनवाज जी, उनको खाने का बहुत शौक। जी जी, मैं ये बताने ही वाला था जी, और आप, आपकी दावतें मुझे याद हैं तो मैं वही जानना चाह रहा था। हाँ, कई दावत में प्रतीक जी आप भी आए हैं जी, जिसमें अटल जी भी आए जी। अब तो आप एक बड़ा कार्यक्रम उसमें आप करते हैं जिसमें आप काफी व्यस्त रहते हैं, हम लोगों को समय उतना नहीं मिलता, लेकिन उस वक्त अटल जी के दौरे में इफ्तार की दावत होती थी और अटल जी बहुत चाव से उस इफ्तार में शामिल होते थे। एक बार जब सरकार चली गई और मेरे पास घर नहीं था जी, तो मैं अटल जी के पास गया, हमने कहा सर मेरे पास तो घर नहीं है और पूर्व प्रधानमंत्री के नाते क्या आपके बंगले पे ही कर लें, उनका जरूर करें। तो इफ्तार की दावत उन्हीं के बंगले पे हुई। कई बार खानों को लेकर लगता था कि अटल जी जब कैबिनेट की बैठक होती थी तो कभी मैंने ऐसा नहीं देखा होगा कि अटल जी ने जो कुछ आया वो खाया ना हो। जो कुछ आता था अटल जी उसको पूरा खाते थे। हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जैसे खाना शुरू करेंगे हम भी खाने लगेंगे, और अटल जी के घर पे जब बैठक होती थी, ज्यादातर बैठक पंचवटी में होती थी जी जी।